हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम प्रेग्नेंट फास्ट। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो कि चाहते हैं कि अब हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं या ज़्यादा समय हो गया है, अब प्लान करना है, हमें ये प्लान करना है। आजकल एवरीथिंग इज़ प्लान, सो प्रेगनेंसी शुड ऑल्सो बी प्लान। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं जिससे कि प्रेगनेंसी फास्ट हो जाए, आपको कंसीव करने में हेल्प मिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि प्रेगनेंसी कैसे होती है। प्रेगनेंसी का एक साइकिल होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है वो कोरिलेटेड होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है, बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही हम प्रेगनेंसी का आगे प्लानिंग कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कैसे होता है। तो प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म का होना ज़रूरी है एंड ओवम, अगर दोनों मिलेंगे तो फर्टिलाइज होके एम्ब्रायो बनेगा एंड दैट एम्ब्रायो विल बी इम्प्लांटेड इन द यूट्रस टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स के इन्वेस्टिगेशंस अगर वो नॉर्मल है, मतलब कि स्पर्म काउंट नॉर्मल होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी इन द सेंस मॉर्फोलॉजी अच्छी होनी चाहिए एंड क्वांटिटी मीन्स मोटिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मोटिलिटी इज़ द मेन फैक्टर विच अफेक्ट्स फर्टिलिटी। तो अगर मोटिलिटी कम है या ज़्यादा परसेंटेज मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म्स इज बैड, तो प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट इज ओवम। जो फीमेल्स में ओवम होता है, एग जिसे बोलते हैं, तो वो एग ओवरी में बनता है। ओवरी जो होता है वो दो ओवरीज होती हैं यूट्रस के साइड में, तो एक ओवरी में एक साइकिल में एग बनता है, तो अल्टरनेट मीन्स ओवरीज में एग्स बनता है। पर ये हम ये नहीं बोल सकते कि इस बार कौन सी ओवरी में बनेगा या अगली बार कौन सी ओवरी में बनेगा। सो एग फॉर्मेशन इज़ वाइटल फॉर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। तो ये हमें सोनोग्राफी में ट्रैक कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि एग का डायमीटर जो है 18-20 mm पे मैच्योर फॉलिकल बनता है, दैट फॉलिकल रिलीजेज एग आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन इज़ द मेन प्रोसेस टू रिलीज द एग, जिससे कि फैलोपियन ट्यूब से वो कैच करती है एंड दैट फैलोपियन ट्यूब से वो एग जो है वो ट्रैवल करके मिड वे ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, जिसे एम्पीला कहते हैं, वहाँ पे जाके सेटल होता है और वहाँ पे वेट करता है। एंड देन बाय दैट टाइम अगर स्पर्म्स वहाँ आते हैं तो दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है एंड ये साइकिल फिर प्रेगनेंसी में आगे कन्वर्ट हो सकता है। तो नेचुरली जो अगर हम बात करेंगे कि एक साल में 90% फर्टिलिटी या फिकेंडिटी बोलते हैं कि अप टू 85-90% पेशेंट जो है वो नेचुरल कंसीव होने में सफल होते हैं, मतलब कि सिर्फ 10-15% केसेस ही ऐसे होते हैं कि जो कंसीव नहीं हो पाते हैं। तो उनमें हमें रीज़न पता करना बहुत ज़रूरी है कि क्या रीज़न हो सकता है जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। तीसरा बहुत ही कॉमन ये होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकल्स आपके इरेगुलर अगर है, तो ये जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो इरेगुलर हो सकता है या ओव्यूलेशन होता ही नहीं है। जैसे कि आपको सबको पता है कि PCOD एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, जिसमें कि मेंसेस बहुत ही इरेगुलर होते हैं, प्रोलॉन्ग होते हैं और ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशंस में, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि PCOD करेक्ट करने के लिए या कंट्रोल में रखने के लिए, ओव्यूलेशन अच्छा होने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हमें देखने चाहिए, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो आप ज़रूर से देखेंगे और PCOD को करेक्ट कर लेंगे। देर आर सम फूड्स विच आर कॉल्ड सुपर फूड्स, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स है, कलर्ड फ्रूट्स है, या फिर आलमंड है, बनाना है, जिसे कि हम सुपर फूड कह सकते हैं बिकॉज दे आर हैविंग सम वाइटल न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और फॉलिक एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, जो प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं। सो यू कैन हैव दैट फ्रूट्स। अ हैंडफुल ऑफ वॉलनट्स और हैंडफुल ऑफ मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड विटामिंस एंड मिनरल्स, जो कि आपके हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। देन एक और पॉइंट है कि यू शुड हैव अ एडिक्वेट स्लीप।
कुछ पोजीशंस है जो कि मैं बोलते हैं बट वी डोंट नो एग्जैक्टली कि हाउ इट विल वर्क. सो डिफरेंट पोजीशंस और यू कैन होल्ड ऑन टू दिस पोजीशन फॉर 10-15 मिनट्स आफ्टर इंटरकोर्स. दीज आर सम ऑफ द टिप्स यू कैन ट्राई. बट जो पहले हमने बात की थी कि यू कैन कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट और यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ फॉर अ फास्टर प्रेगनेंसी. सो दैट इज़ द मेन कंसर्न कि आपके अगर कोई अंदर प्रॉब्लम है या ट्यूबल ब्लॉक है या हस्बैंड की काउंट्स कमी है या ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो यू शुड नो दैट अर्लीस्ट एट द अर्लीस्ट. क्योंकि मेल फैक्टर फीमेल फैक्टर या कंबाइंड या अनएक्सप्लेन के सारे टेस्ट आपके नॉर्मल है या थायराइड प्रोलैक्टिन या कुछ हार्मोनल टेस्ट भी जो होते हैं वो सारे अगर आपने टेस्ट करवा चुके हैं तो अगर आपके सारे कुछ नॉर्मल है तो आपकी प्रेगनेंसी के रेट्स जो है वो भी बहुत अच्छे रहते हैं. जैसे कि हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोलते हैं, इसमें हम IUI मतलब कि इंट्राउटराइन इंसेमिनेशन है ये ट्राई कर सकते हैं. एंडोमेट्रियोसिस एक तरह का बीमारी होता है जिसमें कि IUI ऑल्सो वर्क्स. इफ इट इज सीवियर देन वी कैन गो फॉर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर या IVF जिसे बोलते हैं. तो देर आर मैनी कंडीशंस जैसे कि हमें पहले इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है. इवैल्यूएशन के बाद अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं. देन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वो आपकी पर्सनल हेल्थ ओवरऑल जनरल हेल्थ जो है वो आपको प्रेगनेंसी से पहले ऑप्टिमाइज करनी है. मतलब अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वो आपको कम करना है. आपको कोई एडिक्शंस है जैसे स्मोकिंग अल्कोहल है तो वो कट डाउन करना है. आपको आपका इन्फेक्शंस है या फिर कोई वैक्सीनेशंस है जो कि आपने अभी तक अगर नहीं लगवाए हैं जैसे कि रूबेला है, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस बी है और फ्लू वैक्सीन है, तो ये कुछ वैक्सीन है जो कि आपको प्रेगनेंसी से पहले लगवाने चाहिए. सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया स्क्रीनिंग करनी चाहिए ताकि अगर पहले से ही आपको पता है कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अपने पार्टनर का स्क्रीनिंग करवा सकते हैं. और अगर दोनों को ये प्रॉब्लम है तो आपको प्रेगनेंसी में कुछ स्पेशल टेस्ट करवाने पड़ते हैं जिससे कि बेबी में वो ट्रांसमिट ना हो और वो मेजर ना हो. इसके लिए अगर है तो वो सबसे पहले हमें पता चल जाए और हम उस हिसाब से एक्शन ले सकें. सो प्री प्रेगनेंसी काउंसिलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज योर प्रेगनेंसी आउटकम. ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स इज आपका एज. एज इज़ द मेन फैक्टर टू हैव योर ओवेरियन पोटेंशियल टू द फुलेस्ट. अगर आपकी एजिंग हो रही है तो आपकी ओवरी की भी एजिंग हो रही है. आपके हॉर्मोन्स जो है फॉलिकल्स जो है वो टाइम के साथ कम कम होते जाते हैं. मेनोपॉज पे वो बिल्कुल भी नहीं के बराबर रहते हैं. तो एजिंग इज़ द मेन फैक्टर. तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो नेचुरल फर्टिलिटी की एज है वो 20 से 30 एट द मैक्स 35 यू शुड कम्प्लीट योर फैमिली बिफोर एज ऑफ 35. तो इसे आप अपने करियर के साथ कैसे प्लान करना है या आपके जो भी फैमिली प्लानिंग है वो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं. जितना जल्दी आप प्लान करेंगे उतना अच्छा फर्टिलिटी रहेगा. देन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि जब तक कि आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तब तक के 5-6 वीक्स हो चुके रहते हैं. मतलब कि आपका 1.5 या 1.5 महीना हो चुका रहता है. जब पीरियड्स मिस होते हैं तभी आपको पता चलेगा और उससे पहले ही बेबी के ब्रेन की ग्रोथ जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो बन चुका होता है जिसमें कि फॉलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी है तो बेबी की ब्रेन की ग्रोथ में एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं. तो इसीलिए फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इज मस्ट इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी. इट शुड बी टेकन वंस डेली और ये आपको मिनिमम 1 मंथ या मैक्सिमम 3 मंथ्स तक के आपको लेना चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये फर्टिलाइजेशन विंडो में अगर साथ रहते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाते हैं. तो व्हाट इज़ दिस फर्टाइल पीरियड या फर्टिलाइजेशन विंडो. तो आपको जैसे अभी बताया कि ओवम जो है वो वहाँ वेट करता रहता है. दैट इज़ जो वेटिंग पीरियड रहता है वो बहुत ही कम शॉर्ट रहता है 24 आवर्स के आसपास. तो अगर 24 आवर्स में स्पर्म्स अगर नहीं मिलते हैं तो वो ओवम डिस्ट्रॉय हो जाता है या शेड हो जाता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट जो होता है.
तो ये क्रिटिकल पीरियड जो होता है कि आपको 1 से 2 दिन के बीच में वहाँ पे स्पर्म्स की अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए. सो दिस 2 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैविंग प्रेगनेंसी. सो यू कैन ट्रैक दिस विथ योर कैलेंडर. लाइक आपको अपना पीरियड्स का साइकिल ड्यूरेशन पता होना चाहिए कि आपका पीरियड्स कितने कितने दिन में आ रहा है, 28 डेज में, 30 डेज में, या 35 डेज में, या 23 डेज में. तो आपको इससे आइडिया आ सकता है कि आपका ओव्यूलेशन का टाइम क्या हो सकता है. जैसे कि कुछ एलर्ज डिटेक्शन किट्स भी आते हैं मार्केट में, या आप बॉडी टेम्परेचर मेजर करके भी इसे नोट कर सकते हैं, या वजाइनल डिस्चार्ज का थिकनेस, या जो स्लिपरी कंसिस्टेंसी हो जाता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि दिस इज़ द ओव्यूलेशन टाइम. तो इसे ये 2 दिन मतलब कि आपको ज़्यादा ध्यान रखना रहेगा, या फिर आप सोनोग्राफी से फॉलिकल ट्रैक कर सकते हैं एंड वी कैन नो द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ऑल्सो. और एक मेथड ये होती है कि यू हैव टू डी स्ट्रेस मतलब कि आपको कोई तनाव नहीं रखना है, आपको कोई एक काम करके प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना है, या साथ संबंध नहीं बनाना है. आपने जैसे सुना होगा कि बहुत से लोगों को शादी के बाद प्रेगनेंसी रह जाती है, बट दे डोंट वांट दैट टाइम. तो तब क्यों रहता है? बिकॉज दे आर रिलैक्स. सो यू कैन प्लान अ वेकेशन और रिलैक्स टाइम, जिससे कि आपका जो बाकी के तनाव है एनवायरमेंटल या जॉब या घर के, वो सारे कुछ आपके रिलैक्स्ड रहें, और आप जो ये ओव्यूलेशन का टाइम है या मिड ऑफ द साइकिल है, 10th से 17th या 10th से 20th डे का जो एक वीक का टाइम है, दिस यू कैन एंजॉय योर टाइम. एंड देन आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिस्ट्रेस होने से प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से और जल्दी रुकती है, बिकॉज इट जो हॉर्मोन्स होते हैं वो सारे बैलेंस्ड होते हैं और ओव्यूलेशन का प्रोसेस उससे हैम्पर नहीं होता है. सो डिस्ट्रेसिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू हैव अ सक्सेसफुल एंड फास्टर प्रेगनेंसी. सो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियोज़. थैंक यू.